हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को बता दें कि GNM एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है। तो उसमें क्या पेपर पैटर्न आएगा, क्या कौन सी लैंग्वेज में रहेगा, कितने मार्क्स करेंगे, सारी जानकारी के साथ आज हम लोग आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले हम लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए करते ही हमारे सामने कॉमन एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम 2024 क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा ओपन पेज होगा जहाँ पर लिखा है GNM नर्सिंग जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यहाँ पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही हमको अपना नाम, कोर्स का नाम, मंद नाम, माँ का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंग और श्रेणी ये सब भरने के बाद रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करते ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही अपना कोर्स का नाम ऑटोमेटिक रहेगा, अपनी आईडी डालेंगे, पासवर्ड और लॉगिन कर देंगे। इसके बाद अपना फॉर्म भर देंगे। चलिए जानते हैं कि हम लोगों का क्या इसमें क्या वो रहेगा, कितने तारीख को एग्ज़ाम लास्ट डेट रहेगी, कौन से कितनी तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुए। तो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल 22 जून यानी आज से हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, जो 22 जून जो 22 जून है, 22 जून से हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही आवेदन पत्र अंतिम तिथि 12 जुलाई है जी, 12 जुलाई हम लोग देख रहे हैं। और 6 जुलाई को हमारा फॉर्म करेक्शन होगा, 6 जुलाई फॉर्म करेक्शन होगा जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्म करेक्शन डेट। एडमिट कार्ड जो हम लोगों का है, एडमिट कार्ड हम लोगों का 23 जुलाई को मिलेगा। प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम यानी कि हमारी 28 जुलाई को है। और प्लेस एग्जामिनेशन आपके उसमें बता दिया जाएगा एडमिट कार्ड में। सामान्य निर्देश यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो प्रवेश का केबो रहेगा सेंटर, वो देखिए कहाँ कहाँ है। 20 सेंटर रहेंगे हमारे, सबसे पहले आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, गाजियाबाद, बांदा, बस्ती, बरेली, गोंडा, गोरखपुर, झांसी रहेगा, कानपुर रहेगा, मुरादाबाद रहेगा, मिर्ज़ापुर है, बनारसी है, मेरठ है, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज और लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। तो आपका जो पास पड़े आपको वह भरना है। इसी के साथ जो पास हो उसको आपको एप्लीकेशन पर जो आप फर्स्ट डालेंगे वही आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो उसके साथ हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण जो हमारा परीक्षा शुल्क हमारा का रहने वाला है वो देखिए। कैंडिडेट फॉर वी है बी पे ऑफ द फीस 3000 रुपये OBC और UR कैटेगरी और OBC के लिए 3000 रुपये, ST SC PWD के लिए हमारा 2000 रुपये, अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग UR OBC के लिए 3000 रुपये, देखिए 3000 रुपये, और ST ST OBC और PWD के लिए 2000 रुपये है। अभ्यर्थी के फॉर्म भरने के साथ परीक्षा शुल्क जमा होगा, जो आपको वहीं पे फीस कटवानी होगी। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे वहीं पे आपको फीस कटवानी होगी। 75 दंड आयु सीमा इसमें बताई गई है, आयु सीमा आप देख लें, मैक्सिमम एज और 17 से 17 ईयर्स बिफोर टू 31 दिसंबर 2024 से कब तक होनी चाहिए, 31 दिसंबर या उसके न्यूनतम 17 वर्ष होने चाहिए। शैक्षिक योग्यता मिनिमम 10 प्लस 12 देखिए 10 प्लस 12 होने चाहिए, 10 प्लस 2 यानी 12th। अब 40% अंक उत्तीर्ण होने चाहिए, 40% होने चाहिए। इसके साथ आप देख सकते हैं, देखिए अभ्यर्थी को चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए यानी कि आपको बिल्कुल फिट होना चाहिए और 40% से 50% लोको मोटर विकलांगता वाले अभ्यर्थियों की उत्तम समाधान पत्ता मार्ग श्रेणी में विकलांग के लिए 40% हम जो मैन है वो देखते हैं। चलिए यहाँ आते हैं,
एग्जामिनेशन डेट देखिए, आपको पता ही है कि 28/7/2024 तिथि। एग्जामिनेशन 11 से 1 बजे तक चलेगा, 120 मिनट का रहेगा। और आपको एग्जामिनेशन सेंटर उसमें बता दिया जाता है, आपके एम्स की उस टाइप का रहेगा। और इसका जो मेन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। परीक्षार्थियों की कुल संख्या 100 रहेगी, प्रत्येक पर्सन एक एक नंबर का रहेगा। ये देखिए एक एक नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें। सब्जेक्ट आप देखिए साइंस है, इंग्लिश है और जनरल नॉलेज। इसमें जो साइंस हमारी रहेगी 10th स्टैंडर्ड की, बाकी इंग्लिश 12th और सामान्य ज्ञान 12th स्टैंडर्ड की रहेगी। साइंस में हम लोगों के जो हैं 60 एमसीक्यूज रहेंगे, यानी कि 20 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स, 20 बायो के रहेंगे। और इंग्लिश में हमारे 20 रहेंगे और सामान्य ज्ञान में 20 रहेंगे, यानी कि टोटल 100 नंबर का रहेगा। न्यूनतम जीएनएम पार्ट कर न्यूनतम रहेगी जनरल के लिए, आप देख लें जनरल के लिए 50% जनरल, और पीडब्ल्यू के लिए 45% और एसटी एससी ओबीसी के लिए 40% रहेगा इसमें। रिपोर्टिंग टाइम हम लोग बता दें, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का रहेगा, 2 घंटे पूर्व हमको एग्जामिनेटर सेंटर पहुंचना है। किसी बार 10 बजे के बाद अनुमति, 10:15 तक आपको अनुमति, 10:15 के बाद आपको अनुमति, यानी कि 9-10 बजे तक आपको पहुंच जाना है, यानी 10:15 हो जाएंगे तो आपको एग्जाम सेंटर पहुंचने की अनुमति नहीं है, आपको बता दें। और परिणाम आपको तो बता दिया जाएगा उसमें कब होगा। हाँ जी है, मोस्ट है आपका, देखिए UPGET यदि 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों के एक जैसे नंबर आते हैं, ठीक देखिए, तो आपको मेरिट निर्धारण के निम्न प्रकार होगा, आपकी मेरिट बनेगी उसके अंदर। यदि अभ्यर्थी जिसमें प्रवेश परीक्षा में विज्ञान में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, दूसरा देखें इसके पश्चात ऐसे अंग्रेजी में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, या फिर इसके पश्चात अभी पहले सामान अंक सामान्य ज्ञान में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो उसमें आपको उसके हिसाब से देंगे। अधिक आयु हाइयर इसके पश्चात ऐसे अभ्यर्थी जिनमें हाई स्कूल में अधिक अंक, इसके आधार पर आपकी मेरिट बन सकती है। अगर आपके हाई स्कूल में ज़्यादा अंक हैं तो, अगर दोनों के एक से अंक हैं तो उस पर आधार मेरिट बनेगी। काउंसलिंग तो आपकी उसकी वेबसाइट बता दी जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं। तो यह थी हमारी इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।